वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 12 है और पार्टनरशिप का हमारा ये वीडियो नंबर 93। तो इस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है और इसका पूरा बेस, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ टॉपिक हम पीछे वाली वीडियोस में सीख चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो नंबर 12 से पहले, जो इससे पहले इस चैप्टर की 11 वीडियोस अब तक बन चुकी हैं, अपलोड भी हो चुकी हैं, आप उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को देख लेते हैं। एक्स वाई 3:2 के अंदर पार्टनर, जेड को इन्होंने नया पार्टनर बनाया, नया रेशो डिसाइड हो गया 1:1:1। इसका मतलब है कि जेड को हमने कितना शेयर दिया फर्म के अंदर, 1/3, क्योंकि ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, तो जेड को हमने कितना दिया, 1/3। जेड 50,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है, गुडविल फर्म की काउंट हुई है 60,000। क्वेश्चन नंबर 1, अगर पहले से बुक्स में कोई भी गुडविल नहीं है तो हमको इस स्टेटमेंट के साथ कैसे डील करना है, स्टेटमेंट 2 के साथ बाकी के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, स्टेटमेंट अगर 3, अगर गुडविल पहले से फर्म में 1 लाख की दी हुई है तो बाकी के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। तो यहां पर बेसिकली हमारे पास 3 क्वेश्चन है, पर तीनों क्वेश्चन के अंदर एक बात कॉमन है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट तीनों पार्ट में कॉमन है, ये वाला पार्ट इसमें भी आएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमारे पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया हुआ है, हम क्या करते हैं सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशो जब आप निकालोगे एक्स और वाई का, कैसे निकालना है, हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स का ओल्ड रेशो देखो 3/5 माइनस न्यू रेशो कितना है, 1/3। वाई का देखते हैं, वाई का ओल्ड 2/5 न्यू 1/3। तो एलसीएम लेके हमको सोल्व करना है, एलसीएम लेना आएगा 15 9 5, ये आ गया 4/15, ये आ गया एक्स का सेक्रीफाइस। वाई का चेक करते हैं, ये आ गया 1/50, मतलब एक्स और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 4:1, ये एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशो आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन की इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में पहले तो हमको ये बात क्लियर करनी है कि जेड को कितना पार्ट हमने दिया है, जेड को हमने पार्टनर बनाया है 1/3 शेयर के लिए, क्योंकि जेड के आने के बाद नया रेशो डिसाइड कितना हुआ है, 1:1:1, इसका मतलब है कि जेड को हमने कितना दिया है, 1/3 दिया है। फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000 इन्होंने वैल्यूएड की है, 60,000 का आप ये काउंट करके देख लो कि जेड कितना लेकर आएगा, क्योंकि जेड का पार्ट है 1/3, तो गुडविल फर्म की जेड को लेकर आना है मतलब 20,000। पर इस क्वेश्चन में, यहां तक कि इक्वेशन में देखो, जेड गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आया है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे, प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। ये अमाउंट गुडविल का कैसे डिवाइड होगा, जेड के करंट अकाउंट में से पास होने वाला है, किसके अकाउंट में जाएगा, एक्स और वाई के पास जाने वाला है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो जेड कैपिटल लेकर आया है इसकी हम एंट्री कर लेते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितना लेकर आया है कैपिटल का अमाउंट, 50,000। क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ है कि वो प्रीमियम का अमाउंट लाया कि नहीं लाया है, तो प्रीमियम का अमाउंट मतलब जेड नहीं लेकर आया। अब क्या करना है, ये जेड विल का, जेड का गुडविल का पार्ट कितना बनता है, 20,000,
हम क्या करेंगे, जेड के करंट अकाउंट में से लेने वाले हैं। जेड का करंट अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। किस किस ने किया है, एक्स और वाई ने। 20,000 यहां लिख दीजिए, ये 20,000 एक्स और वाई में सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होने वाला है। तो डेफिनेटली आप 20,000 को 4:1 में डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो एक्स को मिलेगा 16,000, वाई को मिलेगा 4,000। ठीक है, तो हमारा यहां तक का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। एक बारी सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिया, कैपिटल का अमाउंट लेकर आया, प्रीमियम का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आया, तो हमने करंट अकाउंट से एंट्री कर दी। अब केस नंबर वन के अकॉर्डिंग देखिए, पहले से बुक्स में कोई गुडविल नहीं है। पहले से बुक्स में अगर कोई गुडविल नहीं है तो गुडविल की एंट्री होने होने नहीं वाली है। क्या करना है क्वेश्चन में, बस यही दो एंट्री होंगी। मतलब केस वन के अकॉर्डिंग हमको क्या एंट्री करनी है, गुडविल की तो एंट्री होगी ही नहीं क्योंकि बुक्स में कोई गुडविल है ही नहीं पहले से। तो क्या किया हमने, ये एंट्री की, ये एंट्री हमने कर दी सिंपल सी। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने गुडविल कैलकुलेट तो की है 60,000 की, ये गुडविल हमने कैलकुलेट की तो है 60,000 की, पर ये वाली गुडविल आपने पार्टनर के आने के टाइम पर कैलकुलेट की है। आपने ये गुडविल कहीं से परचेज थोड़ी ना की है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग अगर फर्म कहीं से गुडविल परचेज करती है, मान लो हम जब किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो सामने वाले को हम गुडविल के नाम का अमाउंट भी पे करते हैं। तो मतलब अगर मैंने कहीं से गुडविल परचेज की है तो आप गुडविल बुक्स में दिखाते हो, पर रेशो चेंज करने के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पर अगर आप फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते हो, इस गुडविल को हमने बुक्स में नहीं दिखाना होता। इसलिए पहले केस के अकॉर्डिंग हमारे पास बुक्स में गुडविल नहीं है, तो इस वाली गुडविल की हमने कोई एंट्री नहीं करनी। ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग दिखा नहीं सकते। तो एंट्री क्या बनेगी, ये अमाउंट लाने की, कैपिटल लाने की, और अमाउंट जो गुडविल का बनता था वो हमने जेड के करंट अकाउंट में से निकाल लिया है। तो पहले केस के अकॉर्डिंग हमारी दो एंट्री थी। सेकंड केस, गुडविल हमारे पास बुक्स में पहले से 50,000 की शो है। मान लो बैलेंस शीट हमारी बनी हुई है और बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर हमारे पास 50,000 की गुडविल है। तो पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने एक बात सीखी है, अगर गुडविल हमारे पास पहले से बुक्स में रखी हुई है तो हमको वो राइट ऑफ करनी होती है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर हमको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। गुडविल क्योंकि प्रॉपर्टी है, एसेट है, गुडविल को मुझे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो इस 50,000 को आप राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, 50,000 की एंट्री है तो एक्स का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दीजिए। वाई का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, किससे क्रेडिट करना है, ये गुडविल का अमाउंट। गुडविल कितनी है, 50,000। कौन से रेशियो में डिवाइड होने वाली है, 3:2। आप काउंट करोगे, इसके पास जाएगा 30,000, इसके पास जाएगा 20,000। तो थर्ड केस के अकॉर्डिंग फर्म के पास जो पहले से गुडविल पड़ी है वो हमने दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दी। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज का ऐसे ही रहेगा। केस नंबर वन की तरह ही केस नंबर वन के अंदर हमने जो दो एंट्री की थी वो सेकंड केस में भी दो एंट्रीज वही एज इट इज की एज इट इज रहने वाली हैं, प्लस पहले से रखी हुई गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। केस नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास गुडविल कितनी है। अब हमको केस नंबर थर्ड सोल्व करना है, कैसे करेंगे, गुडविल हमारे पास बुक्स में पहले से 1,00,000 शो है, क्या करेंगे, बस ये अमाउंट चेंज कर दो गुडविल का 1,00,000, दोनों पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। सिक्सटी थाउजेंड एंड 40,000। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारे पास क्वेश्चन के तीन पार्ट थे। अगर हमारे पास बुक्स में पहले से कोई गुडविल शो ही नहीं है तो डेफिनेटली हमको बुक्स में कोई एंट्री नहीं करनी होती। दूसरी बात,
गुडविल हमारे पास 50,000 है, बाकी का क्वेश्चन भी है साथ में, क्या करेंगे? दोनों एंट्री करो, पहले वाली जो गुडविल पहले से प्रेजेंट थी उसको आप पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो। तीसरे केस के अंदर क्या, पहली दो वाली एंट्री तो करनी करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लो कि तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, तो ये वाली एंट्री तो करनी करनी है। फिर तीसरी वाली एंट्री फिर से हो गई, क्योंकि 1 लाख अब की बार 1 लाख डिवाइड करने हैं, तो 1 लाख को आप दोनों पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो के अंदर, जो हमारा 3:2 था। तो ये क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई डाउट चल रहा है, तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, इससे पहले कि जो 11 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये टॉपिक समझना और भी इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन स्टडी करते हैं।